सारा सामान पैक कर लिया, ऊपर हमारा Insta360 लगा दिया। उधर यार एक प्री वेडिंग वालों की गाड़ी फंस गई, दे आर फ्रॉम पंजाब, और वो लोग चल के आए, कहता भैया हमारी हेल्प कर दो, हमने पहले सारा सेटअप पैक किया है। वहाँ दो तीन गाड़ियां फंसी पड़ी है, वो जगह पता नहीं कैसी होगी, तो वहाँ पहुँचते हैं सबसे पहले और गाड़ी निकलवाते हैं उनकी। ड्रीम एडवेंचर शुरू। देखो इधर से लोग बहुत कम जाते हैं, शायद इधर ज्यादा मिट्टी है इसलिए इधर से लोग कम जाते हैं। यहां तो शूट कर दे। ये वाली थी क्या जो फंसी है? पिछू कड़ी है, ठीक है, अपनी थार है, और ये स्कॉर्पियो है, दे आर फ्रॉम पंजाब, और इनकी यहाँ थोड़ी गाड़ी अटक गई। इधर आप कैसे गए थे वैसे, कुछ शूट करने गए थे? अच्छा चेंज करना है इसी। अच्छा ठीक है, तो ये अभी अपने थार से टोजन करके इसको निकालेंगे। कल भी रात को मैंने एक स्कॉर्पियो और निकाली थी, लेकिन वो तो हमने ऐसे ही निकाल दी थी। हम रस्से टूट गए, दो और बचे हैं, लास्ट ऑप्शन है ये। कुछ इस तरीके का स्टेम सीन हो रहा है कि बीच में से रस्सी टूट गई, ज्यादा नीचे चली गई ये गाड़ी, देख सकते हो, लेकिन अगली बार निकाल देंगे। नहीं, रोक, चली नहीं वो तो, उधर रस्ते टूट गई है, नहीं खींचेगी। अरे यार तो यार दो बार रस्सी टूट गई है। नहीं भैया टोचन मिलेगा, टोचन है ये अपनी वाली, तो ठीक है खींच भी दे, लेकिन यार रस्सी की बड़ी दिक्कत आ रही है, अगर प्रॉपर रस्सा हो ना तो काम बन जाए। ये वाली गाड़ी आप देख सकते हैं, ये भी यहाँ पे फंसी हुई है अर्टिगा, इसको भी निकालने की कोशिश करते हैं। जैसलमेर और डेजर्ट तो असं शूट कर रहे थे, साड़ी गड्डी खुप गई, साड़ी किसी ने हेल्प नहीं की थी। सो वीर जिन्हों का एक टूर है 100 डे सफरनामा और इन्होंने साड़ी हेल्प की, साड़ी कितनी गड्डियां, साड़ियां दो गड्डियां सी, दोनों खुप गई सी। सो भरा दे इन्नी कु ज्यादा असं शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत ज्यादा। सो ए भाई का एक चैनल है बनया हुआ वा दीप ढाल दे नाम ते। सो यार दोस्तो जरूर एदे ब्लॉग देखो भाई दे, इदा दे ने के हेल्प भी करदे ने और घूमदे फिरदे भी ने और देखदे ने कि दुनिया दे विच कौन किदां दा है। सो इदा दे पर्सन बहुत रेयर घट मिलदे ने। सो थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। मैं कल आ कहनी चाहना कि देखो यार भाई हेल्प करना कोई ओ नहीं, अपा तो यार पिंडा जो बिलोंग करते हैं, अपा जे हेल्प नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। नाले यार सब हेल्प किसी दी हो चुकी है, मैं तो रात 1 बजे भी हेल्प करके आया सी। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा जी दीप टाल, परमात्मा चढ़दी कला च रखे वीर नु, आज दा 100 दिन दा ना दा सफर चलदा रहे, 150 जे 200 चलदा रहे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।
गाइस बढ़िया से हम ऑफ रोड करके आए, मजा आ गया एंड दो गाड़ियां निकलवा के आए। बहुत गर्मी है एंड हमने ड्रोन शॉट भी लिए, बहुत शानदार ड्रोन शॉट लिए हैं। एक मिनट इसको उठा के साइड रख के आता हूँ मैं, पिचक जाएगा यार ये, मार दिया किसी ने। देख के चलाया करो यार, कुत्ते कुत्तों को देखा करो यार, बहुत गलत बात हो जाती है, बड़ा दिल दुखता है ऐसी चीजें होती है ना यार। कोई अपने इंसान के साथ में ऐसा कर दे तो, यहाँ क्या पूरी पथरीली मिट्टी थी नहीं तो मैं सोचा कि इसको दफन कर देते हैं यहाँ पे। देखिए अपना पास्ता बन गया है, ये रेडी टू ईट वाला है क्योंकि भूख लगी थी तो पास्ता बन रहा है अपना। ये अपनी ये थारकड़ी और ये खाबा फोर्ट का मेन एंट्रेंस है, यहाँ अंदर इसमें जाने के लिए 20 रुपीज की टिकट है। ये देखो ये एंट्री गेट है खाबा फोर्ट का, जो पालीवाल ब्राह्मण थे जो कुलदरा के टाइम पे जो 84 गांव खाली हुए थे उनके द्वारा बनाया गया था, और उनका ये गांव था, ये गांव है एक एग्जैक्टली खाबा गांव। काफी ब्यूटीफुल बना रखा है, यानी इसमें जो थोड़ा बहुत था ना कंस्ट्रक्शन इसमें किया गया है, ये पहले तो टूटा फूटा सा था कहते, तो जो विलेज का व्यू है वो जस्ट पीछे की साइड में है, यहाँ से ढंग से विजिबल मतलब नहीं हो रहा है, एंड ऐसी कोई गैलरी भी नहीं बनी है जिधर से जाके हम आगे देख पाए। एवरीबॉडी दिस इज खाबा विलेज, नाउ यू कैन सी ये इधर शायद लोग अभी भी रहते हैं, इस तरफ देखो वो देखो उधर शायद घर है तो लोग रहते हैं शायद इनमें, और ये पुराना विलेज है। कह रहे हैं कि जब वो कुलदरा वाला सीन हुआ था तब 84 गांव खाली हुए थे, उनमें से भी ये एक विलेज है। यहाँ देखो बिल्कुल कुलदरा जैसे घर देखने को मिलेंगे, प्राचीन हाउसेस, इधर काफ़ी डेवलपमेंट है, आगे इन्होंने फोर्ट की तरह इसको बनाया है तो थोड़ा सा ब्यूटीफुल लगता है, लोग स्पेशली इसको देखने आते हैं। ये देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, ये देखो ये देखो। ऊपर जाके मंदिर है माता का, अभी हम आ चुके हैं ऊपर की साइड में, है ये नव डूंगर नाम की जगह है, ऊपर ये मंदिर बना हुआ है, नीचे की साइड में लेक का व्यू देखने को मिलता है, सामने की साइड में वो देख पवन चक्कियां चल रही है, और एरिया देखो यार पूरा पहाड़ी है, और ये जैसलमेर में इसके जस्ट अगर आगे जाते हैं तो सम सैंड ड्यून्स आ जाता है, मतलब यही पहाड़ है और यही डिजर्ट देखने को मिलता है। कम जरी कम। ये भी गांव का नाम क्या, डेटा गांव में अभी हम, यहाँ एक गोलगप्पा स्टोर मिला, यहाँ से आगे थोड़ा सा आगे कुलदरा है, बढ़िया जगह लगी तो हम यहाँ पे रुके हैं। दाल पकवान रेसिपी है जो हम अभी खाएंगे, ये ऑन द वे टू कुलदरा के दौरान एक ये रेस्टोरेंट सा है छोटा सा बना हुआ, जहाँ ये मिल रही है। ब्रो टेस्ट करके बताना कैसी है, मैं खुद पहली बार खाऊंगा। मिलन करवाया है जैसलमेर में, जैसलमेर क्या बात है, और दोनों पे वो भी इंटीरियर में एग्जैक्टली और देखो इस पे भी मतलब टेंट है, इस पे मतलब वी बोथ हैव सेम टेंट्स, एंड देखो क्या सही लुक आ रहा है गाड़ियों का, हमारा भी यार ऐसी बात नहीं है, हम कोई कम थोड़ी है, एंड ऑल ब्लैक या आज देखेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो साथ साथ कैंप करेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो, पॉसिबिलिटी हो तो, अभी आपको नहीं श्योर कहेंगे लेकिन हुआ तो हो सकता है, अदरवाइज फिर कभी ना कभी तो मिलेंगे ही, कहीं ना कहीं काम करेंगे हम।
मेरी भाई की गाड़ी आप देख सकते हो, यूट्यूब चैनल ये है, अपने लोग भी जाके देख लो। आपको सेटअप दिखा रहे हैं भाई की गाड़ी का। ये चीज़ यार मुझे भी लगवानी थी, मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ। अब आप बताओ कि क्या ये बेनिफिशियल है ना? है, क्योंकि आप जब कुछ भी बनाते हो ना, मोस्टली जैसे अभी रुके, मेरे को यही साइड में बनाना है, तो आराम से रख के बना सकते। ठीक है, ठीक है। बहुत सही रहता है, मतलब हमने यूज किया है इसको, लेकिन लगवाना विमरा से महिंद्रा से मत लगवाना इसको। ये अपना महिंद्रा वाला है, ये महिंद्रा वाला। देखो यार भाई ने गाड़ी में कितनी चीजें कर रखी है, और ये देखो सारे गांव वाले, ये तो देख, ये देखो, ये देखो, ये एक्चुअली क्या है, मतलब मैं कभी थोड़ा पैक फूड लेके चलता हूँ कि बीच में कहीं रुकना है या कहीं फंस गए तो लोगों के भी काम आ जाए, मेरे भी आ जाए, मेरे भी आ जाए, और ये दूध वगैरह साथ में, तो ये तो इसके लिए हो गया। नहीं ये सही अच्छी से मुझे बहुत बढ़िया लगी। दिस वन इज लाइक दाल चावल ग्लूटेन एंड कप वगैरह कुछ बर्गर वगैरह ये सब लाइट्स वगैरह पड़ी हैं इसमें। देन ये अपना चूल्हा हो गया, चूल्हा हो गया, ये ऐसे करके बाहर आ जाता थोड़ा। ये वो पुराने हाउसेस बने हुए हैं जो बिल्कुल टूटे पड़े हैं, मतलब पूरा खंडर गांव है। आपको अंदर चल के बढ़िया से दिखाता हूँ मैं, और ये यहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग है, यहाँ गाड़ी वाड़ी रोकते हैं और फिर अंदर चल के आपको दिखाते हैं यहाँ के व्यू। बहुत लोग आए हुए हैं, देखो यार कितने लोग हैं। लास्ट टाइम मैं अकेला था, इस टाइम इतनी भीड़ है। एक टाइम था यहाँ लोग आने में बड़े कतराते थे, ये सारे व्हीकल के साथ में है, अपना छोटा छोटा रेस्टोरेंट बना हुआ, रात में सारे चले ही जाते हैं। लास्ट टाइम भी ये चीजें बन रही थी, अभी मेरे ख्याल से अभी भी वैसी है। ये यहाँ पे मंदिर है मौजूद, और बाकी ये इस तरफ का खंडर गांव है आप देख सकते हैं, एंड इधर भी। लास्ट टाइम मैं बाइक से इसके अंदर घूम के गया था, एक मंदिर है, और ये सारी चीज़ें बाद में बनी हुई है आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें बाद में बनी है। ये जिस तरीके भी छोटे छोटे आप हाउसेस देख रहे हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं है यहाँ डरवर नाम की चीज़, एंड ये देखो छोटे छोटे कमरे हैं बने हुए, और अब अंधेरा होगा तो कोस यार आपको लगेगा। ये देखो कितने प्यारे प्यारे से कमरे बने हुए हैं। बड़ी देखिए मैं खंडरों के बिल्कुल बीचों बीच आ गया हूँ, यहाँ भूतों का तो कोई खतरा नहीं है, ऐसी तो मुझे कुछ चीज़ लगती नहीं है। ये देखो बिल्कुल टूटे फूटे ऐसे घर है, यहाँ जानवरों का खतरा जरूर है, इनमें कोई ना कोई जानवर मिल सकते हैं ऐसे टूटी फूटी जगहों पर। आप देखो बिल्कुल टूटा फूटा सा, खंडरों के बिल्कुल बीच में हूँ, यहाँ और किसी चीज़ का तो खतरा ना है भाई, यहाँ खतरा है तो सिर्फ और सिर्फ जानवरों का है। यहाँ देखो किस तरीके से कूड़ा इकट्ठा कर रखा है, कितना कूड़ा, मतलब इनमें आके डाल जाओ, ये भी सही है। ये देखो इधर भी कूड़ा देखने को मिल रहा है, और डॉग्स के बच्चे इधर बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, इंसान के बच्चे बाहर घूम रहे हैं, और ऐसे 84 विलेजेस खाली हुए थे जस्ट बिकॉज कि इधर एक सालिम सिंह नाम का बंदा हुआ था जैसलमेर में, उसको इस गाँव की कोई लड़की पसंद आ गई थी, तो गाँव वालों ने, वो थे ब्राह्मण, पालीवाल ब्राह्मण, तो उन्होंने रातों रात कहते गाँव खाली कर दिया था। और आप देख रहे होंगे यहाँ इन गलियों में कोई नहीं है मेरे अलावा, जो लोग हैं वो नए कंस्ट्रक्शन में घूम रहे हैं, और हम घूम रहे हैं ऐसे सुनसान वीरान गलियों में, कुलदरा की गलियों में। पहले के टाइम में इस तरीके के बड़े बड़े घर हुआ करते थे, ये देखो बीच में एक बना हुआ यानी दरवाजे टाइप की चीज़ें बनी हुई थी। और आज अपने को वो यूट्यूबर मिल गया था भाई अमित, उसने हमें इन्वाइट किया कि आप कैंपिंग करने के लिए आ जाओ यहाँ कोई विलेज में, एक आगे है बड़ा प्यारा सा विलेज है, कहते वहाँ कैंपिंग करने के लिए, साथ दोनों थार लगा के कैंपिंग करते हैं। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी उधर चले जाता हूँ। के बारे में क्या बताया? नहीं नहीं बता रहा, तो वो आदमी बता रहा है, मैं क्या बता रहा था भाई, जो रियल में जो भूतनी थी ना जो चुड़ैल थी वो इस घर की थी। अच्छा, इस तो दिखाने वो मर गई थी यहाँ पे, तो इसको दिखाने के लिए इस बैलगाड़ी में लेके गए थे। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बैलगाड़ी को वापस छोड़ गए, बंद करके गए हैं। अच्छा, जो गवर्नमेंट ने जो वेरीफाई किया ना वो इस घर का, यहाँ पे इन्होंने कैमरे लगाए थे, कैमरे ब्लास्ट हो गए थे सब कुछ। अच्छा, इस घर में कैमरे ब्लास्ट हो गए थे जो गवर्नमेंट ने लगवाए थे, जो रियल में था ना वो यही था, यही घर। अच्छा, ये घर था, गणेश करके लिखा हुआ जी, थोड़ा झुक के जाना पड़ेगा। और यहाँ पे एक ये चीज बनी हुई है, आई डोंट नो क्या है ये, बिल्कुल इसमें नीचे जाने का भी रास्ता है। कितना गहरा हुआ यार ये, काफी गहरा है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती है। ये देखो पूरा पूरा फ्लोर बना हुआ है, उस जमाने में देख लो ये, हाँ उस जमाने में ऐसी चीजें थी। इस घर में कहते कैमरे लगे थे गवर्नमेंट ने लगवाए थे, जो सारे ब्लास्ट हो गए थे। देख ये वाला कमरा है, चल अंदर चल। मैं नहीं जा रहा है, तो आशिकों के नाम लिखे हैं। हाँ यहाँ और कुछ नहीं है, कमरे बने हुए इसमें, आपको मैं दिखा दूँ। ये देखो इसके अंदर कुछ नहीं है, लोगों ने नाम लिख लिख के दीवारें सारी खराब कर रखी है। हाँ देखो सपने जन्म फलाना प्रवीण अनिमिषा अमिषा प्रिया, अबे दीप फालतू बकवास कर रहे हैं, राजपूत भवानी दौलत दौलत लिखा हुआ है भाई।
एंड ये अपना भाई, इसको भी आप देख सकते हो। और ये तुम्हारा भाई, ये देखिए किस तरीके का हाउसेस है, आपको इसके अंदर भी जाके दोबारा बता देते हैं। ये शायद उस जमाने में छोटा सा किचन टाइप कुछ हुआ करता था। एंड ये तो पूरा का पूरा घर बना हुआ है यार। इसमें एक ये पेड़ भी लगे हुए। ये देखो इधर से पूरा गांव देखने को मिलता है अपने को खंडर हालत में। इधर टूरिस्ट बहुत आते हैं तो कुछ शायद रीडेवलप किया जा रहा है। और ये देखो यहाँ गांव के बीचों बीच एक मंदिर है। ये मैं हूँ, ये दीप है, और ये कुलदरा है। तो ये अपने को लास्ट टाइम मिले थे जब मैं बाइक से आया था। इस बार मैंने बोला आपने मेरे को पहचाना, इन्होंने बोला नहीं पहचाना तो नहीं, क्योंकि बहुत लोग आते हैं। मैंने इनको वीडियो चला के बताया, कहते हैं आप पहचान लिया। हाँ बिल्कुल, लास्ट टाइम में बहुत लेट आया था, इस बार बढ़िया से दोबारा हम इसको कुलदरा को एक्सप्लोर कर गए हैं। इन्होंने लास्ट टाइम भी बोला यहाँ भूत है, इस बार भी बोला यहाँ पे भूत है। लास्ट टाइम दिखे ना, इस बार दिखे। अभी हम जस्ट जैसलमेर आए हैं भाई की जुल्फों को हरा भरा करने के लिए, भाई को स्नान कराने के लिए, और नाना मेरे को भी है। शायद आज फिर से कैंप हो। ऑल थैंक्स गोज टू मनीष भाई ने नहाने का अरेंजमेंट करवाया और हम फिर से जा रहे हैं कैंपिंग करने। और हमने जैसलमेर आके हेयर कट भी ले लिया क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है। और ये देखिए कौन दिख रहा है फ्रेम में, यानी आज एडवेंचर होगा। अरे यार ये तो अपनी थार है, ये किसके आगे बराबर में? ये मेरी है। अच्छा आपकी है। राजस्थान आओ और दाल बाटी ना खाओ कोई मतलब नहीं है। देखिए ये अपनी थार नहीं है लेकिन अपनी जैसी है, और ये अपनी थार है। हम दोनों ने प्लान किया, जो अपने को अमित भाई मिले हैं तो हम साथ ही आज कैंप कर रहे हैं। ये सम रोड पे ही कोई जगह है, बिल्कुल प्लेन है, और इधर हम आज स्टे करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट, टिल देन लव लाइफ, बाय बाय। और हाँ यार चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, आगे बढ़िया बढ़िया वीडियोज आएंगे और 100 डेज ऑफ सफरनामा अपना कंटिन्यू है। आपको बड़े वीडियोज देखने को मिलते रहेंगे, बट कुछ दिनों के बाद जब आएंगे तब कंटिन्यूसली आएंगे।